बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची में तैयार मकान जो के प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड हैं, वो हैं प्रीसेंट वन में। अब सवाल कुछ जहन में पूछे गए तो सोचा यार वीडियो के ज़रिए ही आप तक पहुंचा दिया जाए। क्या प्लॉटों पर हम जब मकान बनाते हैं तो ये कारोबार कैसा है, और बहरिया टाउन कराची में कौन सी ऐसी जगह हैं जहां प्लॉट ख़रीदें, उस पर कंस्ट्रक्शन करें और इन्वेस्टर कुछ अर्निंग भी कर लें और एंड यूज़र को प्रोडक्ट भी ज़बरदस्त दे सकें। तो आज हम बात करेंगे प्रीसेंट वन के प्लॉट की कीमत, वहां पर विलास कितने में बिक रहे हैं, और क्या आज की मार्केट में, जब मार्केट में बायर्स नहीं हैं एज सच ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे गिरना रुक गई है, ये अल्लाह का शुक्र है। और ये भी बताएंगे कि क्या प्लॉटों पर मकान बनाकर कोई पैसे बचेंगे, फ़ायदा होगा, या अभी इन्वेस्टर्स को इस तरह की सरमायाकारी से दूर रहना चाहिए। ये आज की वीडियो होगी जिस पर आज हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची की मार्केट डाउन है, कीमतें कम हुई हैं, डिक्लाइन हुई हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रीसेंट वन, जिसे ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहते हैं, जहाँ पर खूबसूरत और बहरिया टाउन में सबसे पहले जो मस्जिद आबाद हुई थी वो मौजूद है प्रीसेंट वन में। मेन जैसे आप गेट पर एंटर होते हैं तो आपको अपने बाएं जानेब ये प्रीसेंट आएगा, और मेन गेट से शायद 100 मीटर का फासला होगा। तौहीद स्क्वायर से आप जब बाएं जानेब जाएंगे तो प्रीसेंट वन आ जाएगा। ये तो है इसकी लोकेलिटी। इसके अगली साइड पर एवेन्यू वन है, कायद विलाज हैं, फिर इकबाल विलाज, और वो सारा स्टोर कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब प्रीसेंट वन में प्लॉट की वैल्यू है तकरीबन 1.25 से 1.40 करोड़ के लगभग। ये आ गई प्लॉट की वैल्यू। कम से कम प्लॉट 1.20 में अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा प्लॉट है तो 1.70-1.80 में आपको मिल जाएगा। अब प्लॉट की लोकेशन या जिस भी तरह का प्लॉट आप पसंद कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो पहले तो आपने, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको इसको सेल करना है बनाने के बाद, और आप इस पर्पस के लिए बना रहे हैं कि आपकी कुछ अर्निंग होगी, तो आपने जनाब प्लॉट बेहतर जगह का पसंद करना है, अच्छी लोकेशन का। हमेशा से हम ये कहते हैं कि चीज़ अच्छी लोकेशन की आपने पकड़नी है। एक प्लॉट लिया आपने कमोपेश 1.30 करोड़ रुपये का, आज की डेट में इन 2023 सितंबर में जो कीमत, यानी जो कॉस्ट है पूरे विला को बनाने के लिए, 272 यार्ड्स का विला है, और जो इसका कवर्ड एरिया बनेगा वो तकरीबन बनेगा 3600 से 4200 स्क्वायर फीट। उसमें कुछ कवर्ड एरिया है, फिर अनकवर्ड एरिया है, अंडर टैंक, वाटर टैंक, साइड की गली, बैक साइड की गली। आपको पता है कि बहरिया टाउन के रूल के मुताबिक एल शेप में आपको जो जगह छोड़ना होती है, तो आपको जो कॉस्ट आएगी वो आएगी तकरीबन 2.15 से 2.20 करोड़ इस पूरे विला को बनाने के लिए। एक ऐसा विला जो फर्निश तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट या जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्वालिटी होगी वो नंबर वन होगी। अब आप करोड़ों रुपए फिनिशिंग में खर्च कर सकते हैं, लाखों रुपए के वॉशरूम, किचन बना सकते हैं, ये आपकी अपनी कैपेसिटी, अपने शौक पर डिपेंड करता है। लेकिन 1.25 करोड़ का प्लॉट 2.20 करोड़ रुपए आपने लगा लिए कंस्ट्रक्शन पे, तो कुल हो गया जनाब 2.35 करोड़ रुपए। अब आपकी कॉस्ट आ रही है 3.35 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपका ये विला सेल होगा 4.00 करोड़ से 4.20 करोड़ रुपए में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हुई है। और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आपने जेन्युइनली इतनी लगाई है तो आपको 7 मिलियन यकीनन आपको बचेंगे ये सरमायाकारी करने से, 7 to 8 मिलियन। ये तो आ गया सरमायाकारी स्टेटस। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप, अब सवाल ये है कि जो विलाज वहाँ पर आज 3.5 करोड़ में मिल रहे हैं तो वो कैसे बने होंगे, उसका एक आसान जवाब है।
कंस्ट्रक्शन हल्की होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। अगर कोई कोई शख्स मुझे कॉल करने से पहले, मेरी टीम को कॉल करने से पहले ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ तो प्रीसेंट वन ओवरसीज में तो 3.5 में मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन हल्की होगी, मुझे कॉल 100 बार करें मैं हाजिर हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन देखें फिर मुझे कॉल करें, ठीक है। 2 करोड़ 20 लाख बहुत हैंडसम अमाउंट है एक अच्छे घर के लिए। महंगाई होने के बावजूद मैं ये वैल्यू आपको बता रहा हूँ भाई, आज के दिन तक तो महंगाई और चीज़ों की कॉस्ट का मुझे, मेरी टीम को आईडिया है। अच्छा विला आज भी 4.20, 4.40 और 4.50 में मिलता है प्रीसेंट वन में। रेडी विला हमारे पास भी अवेलेबल है, सेमी कॉर्नर 350 गज का है, एंशियंट पार्क के करीब है, 3.5 करोड़ वाला भी है। यहाँ पर मकान अब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और सेल के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा घर आज भी सेल हो रहा है। पिछले दिनों प्रीसेंट 8 में हमने घर सेल किया जिसकी वीडियो आपके गोश गुजार की थी, 4.30 करोड़ रुपए में वेला सेल हुआ है, आउटस्टैंडिंग बना हुआ था, उस पर कॉस्ट आई थी 2.05 करोड़ रुपए, ठीक है। 18 महीने में आप ये पूरा प्रोसेस शुरू कंप्लीट कर सकते हैं, NOC सोयल टेस्टिंग, देन आपको फिर बनाना है, फिर NOC लेनी है, तो इस पूरे प्रोसेस में 14 महीने आपको लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, एंड देन आपका एक टॉप लेवल का मकान बनेगा। प्रीसेंट वन में सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी हमने आपको बता दी, और अगर आप अभी घर बनाने की कैपेसिटी में नहीं है, सिर्फ प्लॉट ले सकते हैं और इन फ्यूचर घर बना सकते हैं, तो ये प्रीसेंट नज़दीक तरीन है। कीमतों में 40 से 50 लाख रुपये यहाँ कमी आई है, हालांकि ये एक आबाद इलाका है। अच्छा, अब क्या यहां पर बने बनाए मकान लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए, क्वालिटी देखकर, अपने बजट देखकर। देखें, क्वालिटी आपका बजट डिसाइड करेगी। कुछ तो कुछ घर ऐसे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्टर या कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने पैसे तो लगाए हैं लेकिन घर की कोई शक्ल सूरत नहीं निकली, वो चंद एक हैं, लेकिन जो शख्स पैसे लगाता है उसके घर बोलता है कि वाकई इस पर पैसे लगे हैं, एक बात। दूसरी बात, अब नाजरीन प्लॉट खरीदें, मकान बनाएं, वो अच्छा रिटर्न देगा, इन हालात में भी वो अच्छा रिटर्न देगा। आपको हम ये मुकम्मल जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, प्लॉट लीजिए, मकान बनाइए, हम सेल करेंगे। प्लॉट लेना है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए, हम अवेलेबल हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू हम ये पैगाम दे रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला हमारी बात कई वी को सबके हक में बेहतर करे। 7 to 8 million आप आसानी से अर्न भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, एक खूबसूरत वो घर जो मैं और आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करें। तो सरमायाकारी प्लॉट में, सरमायाकारी प्लॉट प्लस मकान बनाकर बेचने में, दोनों में फ्रूटफुल कारोबार हो सकता है प्रीसेंट वन में।